बर्थडे के दिन ही मेरे छोटा भाई ने एक कुत्ता का बच्चा जो छोटा पपी है वो लेके आया। तभी क्या हुआ, मुझे उस टाइम ही कुत्ते को लिया मैंने, उसके साथ खेलते खेलते वो बड़ा हो गया, अभी तो 4 से 5 साल हो गया। तब एक दिन मैंने उसको देखा और मैं सोचने लगा कि हमारे घर में जो कुत्ता है उसको तो अच्छी तरह से खाना खिलाता हूँ, अच्छी तरह से रहने देता हूँ, तो रास्ते के कुत्ते कैसे रहता है। ऐसे ही मैंने 9 बजे के या 10 बजे के बाद वो शक्कर लगाने शुरू किया, तो देखने लगा कि स्थित डॉग को कैसे रहता है, कैसे खाना खाता है, कैसे क्या करते हैं वो लोग। तब मैंने सोचा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं उन लोगों को एक खाना खिला सकूं, तो मैंने सोचा कि मेरे आइडिया से एक घर तो उन लोगों को जरूर दे सकता हूं। এটো প্রথমটো হৈছে ইয়েলো কালার দিলো, ইয়েলো কালার আটা পা ফোকাস কৰি থাকিব, আৰু গ্রিন কালার হৈছে গ্রিন কালারটো প্রকৃতিৰ লগত মিলি থাকিব। ভিতৰ বস্তুখিনি কাপোৰ ঠাইত পাই দিছো, এটা বনাইছো পানী দিয়া, পানী দিব কাৰণে এটা টেমাটো পানী দিব, পানী দিয়াৰ পিছত ক'ৰবাত গছপাত আজি নপৰিবৰ কাৰণে, গছপাত নপৰিবৰ কাৰণে ইয়াত নেট এখন দিয়া হৈছে, আৰু বৰষুণ দিলে পানীটো ইয়াত জমা হৈ যাব। तो कैसे मैंने सोचा वो घर तो बन गया, वो कुत्ता को कैसे मालूम होगा कि उसके लिए ही घर है रास्ते के किनारे। तो मैंने देखा कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का स्मेल सूंघ सकता है, तो मैंने क्या किया, घर का जो पुराना हमारा घर का जो खुद का कुत्ता है ना उसको जो कपड़ा वगैरह देता हूँ सोने के लिए, और उसका पुराना कपड़ा वगैरह उस घर के अंदर रख दिया। जैसे ही मैंने पब्लिश किया, उसके एक दिन बाद मुझे कहीं जगह से फोन आया, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार ऐसे दोस्त लोगों ने फोन किया। तभी अब हम लोग ने क्या किया, एवरी वीक वेडनेसडे और संडे स्ट्रीट डॉग जितना भी स्ट्रीट में डॉग रहता है उन सबको खाना खिलाता हूँ।